छत्तीसगढ़ सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए मीसाबंदियों की सम्मान निधि एक बार फिर से चालू करने का बड़ा फैसला लिया है। सीएम साय ने कहा कि प्रदेश के मीसाबंदियों को राज्य सरकार फिर से सम्मान निधि देने का ऐलान कर रही है। विधानसभा में मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मीसाबंदियों के लिए सम्मान निधि पेंशन फिर से शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान मीसाबंदियों के लिए पेंशन योजना को 2019 में पिछली कांग्रेस सरकार ने रोक दिया था, जो कि 2008 में भाजपा शासन के दौरान राज्य में शुरू की गई थी। इमरजेंसी के समय जितने जो गैर कांग्रेसी लीडर थे सब को जेल हो गया था, 19-19 महीना तक जेल में रहे, जिसके कारण उनका परिवार बर्बाद हो गया। किसी किसी परिवार में तो मतलब खाने के लिए लाले पड़ गए, ऐसे कई परिवार को हम जानते हैं। और जब हम लोग की सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में, तो उनको एक सम्मान निधि मतलब देने का प्रारंभ किए थे, जो पिछली सरकार में बंद हो गई थी वो राशि, उसको फिर से अब इमरजेंसी के समय इसी क्रम जितने में जो गैर कांग्रेसी और मीसाबंदी रहे लीडर थे। सच्चिदानंद उपासने ने आपातकालीन समय की आप बीती बताते हुए कहा, वो काला दिन था महज 17 से 18 के आयु में। उन्हें और उनके दो भाइयों को जेल में डाल दिया गया और इस दौरान उन्हें बहुत प्रताड़ित किया गया। इतना ही नहीं, पूर्ववर्ती भूपेश सरकार ने मीसाबंदियों को दी जाने वाली सम्मान निधि को बंद कर दिया था, जिसके चलते इलाज और दवाई पानी के अभाव के चलते 50 से ज्यादा मीसाबंदी कैदियों ने दम तोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि निश्चित ही पुनः सम्मान निधि को देने का ऐलान हम सब के लिए खुशी की बात होगी। रायपुर से भोलेश मिश्रा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जी, उनकी पूरी सरकार को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो एक तानाशाह सरकार, भूपेश बघेल की सरकार, अलोकतांत्रिक सरकार, जिसने लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं को ताक पर रखकर और ऐसे लोकतंत्र सेनानी जिन्होंने आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ी थी और जिसके कारण से देश में लोकतंत्र बहाल हुआ था, इंदिरा गांधी का तानाशाही का शासन समाप्त हुआ था, वैसे शासन को समाप्त करने के लिए जिन लोगों ने 19 महीने 21 महीनों तक जेल की यातनाएं सही इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अनेक लोगों को जेलों में मारा पीटा, सब प्रकार से यातनाएं दी, सड़ा खाना दिया, किसी प्रकार से भोजन नहीं दिया, अस्पताल की सुविधाएं नहीं दी, पेपरों में समाचार नहीं छपे, आज़ादी छीन ली गई पत्रकारों की, पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया, ऐसे भीषण समय में जब इंदिरा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी ये नारा लगाना अपराध था, भारत माता की जय वंदे मातरम बोलना अपराध था, उस समय हम 16-17 वर्ष की उम्र में और ये नारे जब सड़कों पर लगाए थे तो उस नारे लगाने की सजा ये थी कि कोई अदालत नहीं जा सकते थे, कोई कोर्ट नहीं जा सकते थे, 19 महीने तक जेल में बंद कर दिया गया था।